यूरो किड्स व नर्चर इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्पोर्ट्स डे। जी हां, अयोध्या में यूरो किड्स व नर्चर इंटरनेशनल स्कूल देवकाली स्थित यशलोक हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल प्रबंधक अंजलि तिवारी देवा ने हेल्थ इज वेल्थ डे थीम द हीरो इन मी रिबन काटकर गुब्बारे उड़ाकर खेल दिवस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मॉस ड्रिल, होला हो, स्केटिंग और योगा से की गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की दौड़े प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें रिले रेस, होपिंग द मुन्नी रेस, ब्रश द बैलून, थ्री लीजेंड रेस, हेल्प योर पार्टनर, सेक रेस, ब्लॉक रेस, बैक पॉक रेस, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, पोरिंग एंड बैलेंस इन रेस इत्यादि का आयोजन किया गया। आए हुए अभिभावकों और अतिथियों ने टैग फॉर वॉर का खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में हर बच्चा विजेता के नियम को ध्यान में रखकर बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस खेल दिवस को आयोजित करने में स्कूल की सभी शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय के प्रबंधक अंजलि तिवारी देवा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों को खुला वातावरण और पढ़ाई के साथ खेल होने से उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। और कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रबंधक अंजलि तिवारी देवा ने आए हुए अभिभावकों और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ओपन हम लोग ये बलून ब्लो करके अपना मीट ओपन करेंगे। वी विल स्टार्ट द मीट टुडे। वी आर गोइंग टू परफॉर्म, मेरे के बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्केट्स आपको करके दिखाएंगे, हुला हुप्स, वो नेक से, अपने स्टम्प टमी से, लेग से पूरा आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। छोटे बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे। यू नो, यहाँ पेरेंट्स की थीम रेसेस भी है। व्हाट वी बिलीव, इवन टीचर्स भी रेस करेंगे। व्हाट वी बिलीव, जो मुझे बच्चों से करवाना है वो पहले हमें खुद करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर हमें कोई संस्कार भी देना है तो पहले वो हमें खुद फॉलो करना है। तो दैट रिफ्लेक्टिंग दैट थिंग ओनली, पहले हम बच्चों से रेस कराएंगे, फिर पेरेंट्स भी रेस करेंगे एंड देन द टीचर विल आल्सो परफॉर्म द रेस। जो मेन यूएसबी है हमारे प्रोग्राम की, दैट इज़ एवरी टाइम एवरी चाइल्ड इज विनर। हर बच्चा जो ट्रैक पे आ गया, भले वो यहाँ से थोड़ा आगे ही बढ़ जाए, वो विनर है, क्योंकि उसने एफर्ट लिया। भले वो कंप्लीट कर पाए ना, मेरे लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी नहीं। जिस तरह भगवान के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, माँ के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, उसी लिए मेरे जितने भी बच्चे हैं पूरे फ्रॉम प्ले ग्रुप टू अपर केजी, फ्रॉम सेवेंथ एट्थ स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे समान हैं। इसलिए हर बच्चे को मेडल दिया जाएगा, हर बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, है ना। तो मेडल सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे पूरा एकदम लास्ट में, और प्रोग्राम का एंड जो है हम हर साल हमेशा नेशनल एंथम से करते हैं, और वहीं पे हमारा वोट ऑफ थैंक्स के साथ पॉइंट ऑफ हो जाती है। तो इस बार जो हमने थीम ली है वो थीम है हीरो इन मी। हर बार हमारी थीम डिफरेंट डिफरेंट होती है, चाहे एनुअल फंक्शन हो चाहे स्पोर्ट्स डे हो, हम लोग एक थीम लेके चलते हैं। तो हीरो इन मी का मतलब है कि हर बच्चे के अंदर एक हीरो होता है, हर बच्चा हीरो है, एवरी चाइल्ड इज हीरो, यू नो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, छोटा हो बड़ा हो, है ना, हर बच्चा हीरो है, यू नो, अपने माँ का हीरो होता है, अपने ईश्वर का हीरो है। सो दैट व्हाट आई सेड कि हमारी थीम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, द हीरो इन मी, हमारे अंदर का जो हीरो है वही हमें जगाना है आज, राइट। सो इसीलिए वी ऑल आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल टू कम ओवर हियर, लेट्स एंजॉय।